कदा मैं हूं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड। मैं ये मानता हूं कि फैशन सेंस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और वही छोटी छोटी बातें ही हमें दूसरों से अलग दिखाती हैं। हमें पता चलता है कि हाँ, इसे एक बंदे को फैशन सेंस है, क्योंकि वैसे हम लड़कों ने पहननी तो जीन टी शर्ट और शर्ट ही होती है, साथ में शूज़ पहन लिए। लेकिन अगर इनमें से ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लो, तब आप लगेंगे बिल्कुल टिप टॉप और वीकेंड के सब्सक्राइबर। आजकल आपने देखा होगा कुछ लड़कों ने अपने स्नीक्स को लेसिस कुछ इस तरह से बांधने होते हैं। बाय द वे, स्नीकर्स के लिए नया वर्ड आ गया स्नीक्स। कूल दिखने के लिए लोगों ने ना स्नीकर्स को स्नीक्स कहना शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी वो कूल दिखना चाहते हो तो स्नीकर्स को स्नीक्स को, ये मैंने नए स्नीक्स लिए हैं, नया वर्ड दिया है ना, कमेंट मार दो फिर इसी चक्कर में। मेरे भाई, अगर आप अपने स्नीक्स को कुछ इस तरह से बांधोगे, देन जो आपके स्नीकर्स है ना, उनकी जो लुक है वो जब आप उसको अपने जीन के साथ पहनोगे, अपने जॉगर्स के साथ पहनोगे, और भी ज़्यादा निखर के आएगी। आपके स्नीकर्स की भी लुक निखरेगी और आपके जॉगर की भी लुक निखरेगी, और वो जो उसका एक बहुत सेक्सी सा डिज़ाइन होता है ना स्नीकर्स का, वो और भी ज़्यादा उभर के आएगा। लेकिन जो ये मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने शू लेसिस को हाइड कैसे करना है ताकि आपके स्नीकर्स और भी ज़्यादा उभर के आएँ, उसके लिए ये टेक्निक सिर्फ हमारे स्नीकर्स के ऊपर ही काम करती है जिसके लेसिस कुछ इस तरह से होते हैं। ये टेक्निक हमारी स्पोर्ट्स शूज़ के ऊपर काम नहीं करती है। अब जिस तरह से हम अपने शूज़ के लेसिस वो डायनासोर के ज़माने से बांधते आ रहे हैं, बस वैसे ही बांधे जा रहे हैं, इसका देखा अपन ने भी वैसे बांध लिया, भूल जाओ उसको। आपको सही तरीके से लेसिस बांधने कैसे अपने स्नीकर्स के, वो ये है कि पहले तो अपने लेसिस बाहर निकालो, वेरी ऑब्वियस, अगर उसको पहले वाले को अवॉइड करना है तो कीप पूरी है ना, इट्स वेरी ऑब्वियस। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि जो हमारे जहाँ पे हम शू लेसिस डालते हैं, जो पहले दो होल होते हैं ना, वहाँ पे अपना शू लेस डालो, एंड देन जो आपका जो हमारे शू लेसिस का एंड होता है, यानी कि जो सिरा होता है, सिरा वो बराबर में आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो अपन इन लेसिस को बराबर किया है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही छोड़ दो। पहले आप जो बेनिफिट लेंगे वो राइट हैंड साइड का लेंगे, क्योंकि मुश्किल में राइट हैंड साइड ही काम आती है। आपको क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है शू, जहाँ पे हम लेसिस, जो हमारे होल्स होते हैं जहाँ पे हम लेसिस डालते हैं, उसमें तो हमने डाल दिए। उसके बाद जो सेकेंड लाइन आती है ना, उसको छोड़ देना है, हमने पहले थर्ड लाइन में डालने हैं। आपको क्या करना है कि जो हमारी राइट हैंड साइड लेनी है उसको तीसरे नंबर में नीचे से डाल के दूसरी तरफ से ऊपर से निकाल देना है। मुझे अपने वर्ड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, नीचे से डाल के ऊपर से निकाल देना है। ये बहुत गलत वर्ड्स हैं, लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए हो, मैं शू लेसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंटीने नहीं घुमाने अपने। अब आगे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेस है, उसको क्या करना है कि जो हमारी होल्स की दूसरी लाइन है ना, उसके एक तरफ से नीचे से डाल के उसके दूसरी तरफ ऊपर से निकाल देना है। मुझे अपने वर्ड्स के ऊपर मैं बोल रहा हूँ काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियोस मुझे लगता है किसी -hub.com पे आया करेगी। ऋषि अरोड़ा का डबल मीनिंग ज्ञान। यार अब आप देखेंगे कि पहली रो में, दूसरी रो में और तीसरी रो में बिल्कुल एक सिमेट्री बन रही है। अब इसके आगे क्या करना है कि जो साइड लेसिस की, यानी कि राइट हैंड साइड हमने थर्ड नंबर पे डाली थी, वो वैसे ही नीचे से निकाल के ऊपर से डाल के हमें फिफ्थ नंबर पे डालनी है, एंड जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में डाली थी वो फिफ्थ से आगे यानी कि फोर्थ नंबर पे डालनी है। अब यहाँ पे देखें, एक पूरी प्रॉपर सिमेट्री बन गई है, प्रॉपर एक पैरेलल लाइंस बन गए, जैसे किसी ने पैरेलल लाइंस लगाई हो। आपको क्या करना है कि इसके बाद क्या करना है कि जो हमारे लेसिस के एंड हमारे पास बच जाएंगे, उसको अपना अच्छी तरह बांध के देन उसको शू के नीचे से कुछ इस तरह से अपने अंदर छुपा लेना है। इससे आपका क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि अपने शू बांधा कैसे हो, और आपके जो स्नीकर्स होंगे, आपके जो स्नीक्स होंगे, कूल स्नीक्स, वो बहुत सही लगेंगे। ये बात होगी हमारे स्नीकर्स की। लेकिन मेरे भाई, ये टेक्निक आप कभी भी अपने फॉर्मल शूज़ पे मत अजमाएं, क्योंकि फॉर्मल शूज़ पे जो जब हमारे लेसिस नहीं दिखते तो जो हमारे फॉर्मल शूज़ है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। फॉर्मल बोल लो या फिर हमारे सेमी फॉर्मल बोल लो, जैसे कि ब्रोक शूज़, उनकी ग्रेस लेसिस के साथ ही
बनती है, लेकिन उनके लेसिस को बांधने का भी सही तरीका है। वैसे तो ये टेक्निक मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत पहले बताई थी, लेकिन दोबारा इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्पेशल लेसिस के ऊपर वीडियो बने और हमारे दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि इस टेक्निक में फॉर्मल शूज़ और सेमी फॉर्मल शूज़ पे दो बेनिफिट हैं। एक तो जब हम भागते हैं या फिर हम वॉक करते हैं हमारे लेसिस खुल जाते हैं, वो खुलेंगे नहीं। और अगर आप अपने फॉर्मल शूज़ या सेमी फॉर्मल शूज़ की ग्रेस और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो ताकि लेसिस दिखें भी और फिर भी उनकी ग्रेस बढ़े, वो मेरे भाई हमेशा जो आपके शू लेसिस की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब उनकी डायरेक्शन वर्टिकल होती है, जो हमारे शू की जो शेप होती है ना, उसको हाइड कर लेते हैं, वो सारा हमारे सिर्फ लेसिस ही दिख रहे होते हैं। आपकी जो शू लेसिस की डायरेक्शन होनी चाहिए वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों चीज़ों का बेनिफिट उठाने के लिए कि आपके शू लेस खुले भी ना और डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल ले, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको पहले आप पुरानी वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि पहले मैं बता चुका और काफी अच्छी तरह बताया है, वो ये है। सबसे पहले आप जैसे नॉर्मल शूज बांधते हैं स्टेप वन में, वैसे ही नॉर्मल शूज बांधने। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको अपनी उंगलियों में कुछ इस तरह से घुमाएं। उसके बाद क्या करना है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कान होगा उसको राइट हैंड साइड वाले कान में, और जो उनके बीच में एक होल है उसके बीच में जैसे हम नॉर्मल तरह से लेसेस बांधते हैं उस तरह से बांध दें। आप इसी तरीके से अपने स्पोर्ट्स शूज़ को भी बांध सकते हो। ये टेक्निक हर तरह के शूज़ के ऊपर अप्लाई होती है। तो ये थी अपनी वीडियो शू लेसिस के ऊपर, एक छोटी सी बात लेकिन बहुत काम आने वाली। पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके। दिस इज वीकेंड, डोंट फॉरगेट टू वीकेंड। चलो फिर।